जीत आपकी होगी, जीत आपके संघर्षों की होगी, चाहिए आपने विश्वास है। सुबह से शाम तक आप लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। अब तुम दो मिनट के लिए धैर्य बना के रखो, दो मिनट के लिए बीच में कोई वोटिंग नहीं करेगा, और कहीं ना कहीं आप लोग सुनने के लिए ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप लोग शांति से जो बैठे हैं बैठे, जो खड़े हैं खड़े, पर शांति से एक भी शब्द आप लोग कमेटी की अपनी बैठक हुई थी, और जैसा कि शुरू से बताया जा रहा था कि कमेटी आज अपनी रिपोर्ट दे देगी, तो अभी मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई है, मुझे नहीं पता चला है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। ठीक है, आप लोग को यही शुरू से यही बताया गया, जब से कमेटी गठित हुई तब से ये बताया गया था कि फ्राइडे को कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी, और आज फ्राइडे है और आज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, उस पर फाइनल डिसीजन जो होगा आपकी पीसी महोदय का होगा। यही बात आपको हम कल भी बोले थे, जब आप ही में से कुछ साथियों ने बोला कि सर अगर आपको निर्णय नहीं लाना है तो आप आते क्यों हैं हमारे बीच में। हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि आपको कोई हम ऐसी बात बोलें जो कि गलत हो या जो कि ना हो रही हो, या आपको किसी भ्रम में की स्थिति में डालें। जो हो रहा है वही हम कोशिश यही रही कि शुरू से आपको वही बात बताएं। बाकी यही बात अब आप डॉक्टर महोदय से सुनना चाहें, आप यही बात डॉक्टर महोदय से सुन लें। आज 3 बजे शाम को बैठक आहूत की गई, बैठक हुई, बैठक ने लाल रूप में आपकी जितनी भी समस्याएं थी उनको डिस्कस किया, जितने भी ऑप्शन थे उस पर विचार किया, और उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन माननीय कुलपति जी को निश्चित कर दी है मिनट्स को, उनके अप्रूवल के बाद उसका अनाउंसमेंट आपके बीच में। आप लोग भी अपनी बात कहते हैं, बिल्कुल आपकी स्टैंड लिया है कि आज फ्राइडे है, फ्राइडे को कमेटी की रिपोर्ट चली जाएगी, और फ्राइडे को आज कमेटी की रिपोर्ट चली गई, ये बात आपने अपने प्रॉक्टर महोदय से भी सुन ली। अब आगे का यही है, हमारा आपसे निवेदन ये है कि आप लोग ने बहुत कोऑपरेट किया है, किसी भी टाइप से कोई इनडिसिप्लिन ना करिए। आप में से आज कुछ छात्र निकल गए यहाँ सड़क पे चक्का जाम करने, और इस टाइप के भी प्रयास किए गए, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल इलीगल है। प्लीज कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जिससे आपका ही, आपके परिवार का और आपकी यूनिवर्सिटी का नाम खराब हो। ऐसा कोई भी स्टेप मत लीजिएगा जिससे ये मैसेज जाए बाहर कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र कानून अपने हाथ में लेते हैं या कोई इलीगल काम करते हैं। आप लोग अपनी बात को अच्छे से रखते आए हैं, आपकी बात भी कमेटी ने सुनी है, और आज कमेटी ने जैसे आपको बोला गया था अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब कुलपति महोदय का इस पे जल्द से जल्द निर्णय हो जाए, यही हम लोग का भी प्रयास है, और जो निर्णय हो जाएगा आपको जल्द से जल्द सूचित भी कर दिया जाएगा।
सबका सवाल लिया जाएगा और यहाँ जवाब देने के लिए तमाम हमारे शिक्षक और जिला प्रशासन भी है। तो आप अगर हाथ उठा के कोई भी एक हमारे सीनियर हो चाहे वो भाई आप बोलिए। ये बात सुन लो कमिटी नहीं सुन ऐसे कोई भी कमिटी बैठती है उसका ऐसे नहीं होता कि आपको उसके मिनट्स बता दिए जाए या उसके कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। ये बात आप जान लीजिए, ये बात डॉक्टर महोदय बोल रहे हैं, ये बात हम भी बोल रहे हैं, ये बात आप जान लीजिए। आप सुन लीजिए पूरी बात। जिस तरह से मैडम का और कमेटी की रिपोर्ट आपने हमें बताई है, दूसरा रिपोर्ट आ जाएगा, उस तरह से उनका हमारी रिपोर्ट बिल्कुल सर ये देखिए देखिए पहली बार कमेटी दो बार बैठी ठीक कमेटी रिकमेंडेशन की शांत रहिए पहले शांत रहिए कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी ना। तो क्या वाइस चांसलर छुट्टी पे है? क्या वाइस चांसलर साहब से बाहर है? अगर वाइस चांसलर MNIT कैंप ऑफिस से यूनिवर्सिटी चलाना चाहती है उनका स्वागत है, लेकिन जब बड़े बड़े फैसले रात में लिया जा सकता है, कभी कभी क्या ये फैसला भी रात में ही आया था, बड़े बड़े फैसले रात को वेबसाइट अपडेट कर देता है कि अगर वाइस चांसलर सुनिए, देखिए मैं आज किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं 14 तारीख से यहाँ बना हूँ इसलिए बोल रहा हूँ ठीक है। सुनिए इशू ये है कि अगर वाइस चांसलर छुट्टी, चूंकि आपने ही बताया था प्रशासन के मैं नाम गोपनीय रखूंगा कि कमेटी के लोग या कमेटी से कुछ लोग कहते MNIT कैंप ऑफिस वहां अपनी रिकमेंडेशन देते, नॉट बाय पोस्ट, नॉट बाय ईमेल, नॉट बाय जीमेल, नॉट बाय मैसेंजर, नॉट बाय व्हाट्सएप। तो वाइस चांसलर महोदय के अंदर अच्छा नहीं, वो रिकमेंडेशन किस माध्यम से गई? देखिए जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर सर कह रहे हैं कि वो माध्यम भी नहीं बताएंगे ठीक है, लेकिन अगर वाइस चांसलर साहब कहे तो इनको इतना चाहिए वो डिसीजन ले आप वो भी नहीं बता रहे हैं ये लड़के अधर में है, कहीं कमेटी है क्या करें, न पढ़ पा रहे हैं यहाँ आंदोलन में आ रहा, कोई वो नहीं है आंदोलन देने का, मैं कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का, कोई शौक नहीं है आपने अंदर का, कोई शौक नहीं है और हमारा भी मामूली समय जाता है यहाँ, हमारे पास बहुत सारे काम है, हमारे पास जिनके पास जो भी काम पढ़ना है लिखना है आप
जाते हो चार्ज भी कौन होगा। तो पांच
दिन लड़के मरेंगे क्या? अब इसे खड़ा होके बस शांत कर रहा था कि भाइयों किसी तरह के हिंसा का सड़क पे मत निकलिएगा, उधर ना निकलिएगा, बोलते बोलते गिर पड़ा बेचारा। बचपन उसके पिता की डेथ हो गई, माता अकेली, न भाई न बहन, कोई देखने वाला नहीं, अब कुछ हो जाएगा। मन में भी होगी उन चीजों के बाद हम ये कहेंगे नहीं कि आप ना करो। हम आपको शॉर्ट में ये बता देना चाह रहे हैं कि बेटा आज उसमें ऐसा कुछ होता ही कि 9 बजे 10 बजे 11 बजे का निर्णय आ जाता तो क्या हम लोग चाहते हैं कि ये निर्णय ना हो जाए? अंदर चुनाव करोगे यहाँ पे काम करें, हमें क्या दिक्कत है? हम भी आप की तरह आशान्वित है कि शीघ्र बहुत अच्छी जो अभी इलेक्शन है जो मतलब आपका निर्णय होगा भैया हुआ कि साइकिल अपना कोई निर्णय अपने पास हमारे निर्णय।
पहली बात है मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि किसी खास नेताओं का आंदोलन नहीं है और यह आंदोलन छात्रों का आंदोलन है। एज अ सीनियर जो विश्वविद्यालय की परंपरा रही है उसके तहत हम आपके बीच में आपके लड़ाई आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम आपके साथ हैं। गलती ना करें मेरा जो सजेशन है उसके बाद आप लोग स्वतः ज्ञानी है और आप लोग को अच्छी तरीके से पता है कि आखिर आपका हित कहाँ है। मैं ज्यादा कुछ ना कहूंगा और सुनिए लोग कुछ भी कहें आपको मैं आपको उग्र होने की इजाजत कभी नहीं दूंगा न तो मैं सलाह दूंगा। ठीक अगर ये आपको लगता है कि उग्र होकर हम अपनी मांगों को मनवा लेंगे तो हम आपके साथ। क्या आप लोग को लगता है कि हम उग्र होकर अपनी बातें मनवा लेंगे? अच्छा ये बताइए नहीं 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 मैं आपकी बात कर रहा हूँ ऐसा क्या इस आंदोलन में नेतृत्व का काम कोई नहीं है हमारा कोई सलाहकार यहाँ पर सभी अपने हित के लिए बैठे हैं और आंदोलन सब अच्छा चला है। अब फाइनल ये है कि जो छात्र ये व्यक्ति 593 दिन से गांधीवादी तरीके से सत्यम सब लोग यहाँ अपनी सब लोग बैठे हैं कर्नल कुछ नहीं किए आप 14 से लेकर 25 12 13 दिन में कुछ नहीं किए तो आगे भी सर नहीं गए। आज बहुत से लोग आपने एक फीस के लिए किया क्या उसमें कुछ नहीं हुआ? क्यों एक गलत बात बोल रहे हो? फीस के लिए आप लोग ने जब दिया जब आप लोग ने फीस के लिए जब हॉस्टल हम भी यही थे उस समय जब आप लोग ने फीस के लिए अपनी बात रखी तो क्या कुछ नहीं हुआ? कौन था यहाँ पे कौन था जो जो है वो बताए दूसरी बात समझ लो पब्लिक है समानता चुनाव व्यस्त है मेरे कहने मतलब इनके 592 दिन कोई हिंसा ना होगी इनके 12 दिन में होगी। आपको इतना विश्वास करना पड़ेगा कि आगे भी कोई हिंसा नहीं होगी। सड़क पे कोई नहीं करता फोटो दिखाते कोई नहीं करता हाँ मैं मानता हूँ नहीं वो कोई नहीं अरे चल नहीं हुआ आप फुटेज दिखा दीजिए आंदोलन खत्म करा देंगे। सुन लीजिए अगर एक मिनट की बात आप भी सजीव प्रशासन अधिकारी हो सकता है सुबह आपको समय भी यहाँ प्रोफेसर है लेकिन ना रहो कभी कोई तरीका देखिए सत्तम कुशवाहा बोल रहे थे कह रहे सुनाई नहीं दे रहा तो कम से कम निखिल आनंद वाइस चांसलर का स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर OST सात बार हरिओम त्रिपाठी के नंबर से कॉल गया है तीन बार उठाए हैं और बोला है कि बाद में बात करना और सुनिए सर वाइस चांसलर ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अथॉरिटी हो आप मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ठीक है सिग्नेचर में बहुत मीटिंगों में व्यस्त है कई यूनिवर्सिटी में PC चुनने में हो सकता है हेड हो उनको बहुत सारी कमेटियां हो लेकिन वो सिर्फ इतना कोई उनसे जुड़ा व्यक्ति बता दे कि वो फैसला किस तारीख को कितने बजे ये भी नहीं बता सकते तो कम से कम प्रयागराज की धरती है सर। प्रोफेसर रतन लाल हंगलू बोलते थे हाई कोर्ट इज माई पुट पुलिस प्रशासन इज माई पुट उनका हाल क्या सब देखते कुछ बताने की जरूरत नहीं रात के फेरे में उस दिन बहुत प्रोफेसर आनंद तिवारी है वो भी शुरुआत में खूब किए लेकिन अंतिम में वाइस चांसलर साहब यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद उनको अलग कैंप में भेज दिया तो वाइस चांसलर साहब पहले ही दिन आने के बाद दो तीन दिन संभाल सके लेकिन आप सभी के माध्यम से मैं उन 5 से 10 प्रोफेसर को बताना चाहता हूं सवाल तो कलश चला दे और अगर
आप वही चांसलर महोदय आप इसी विश्वविद्यालय से पढ़ी, आपने स्वयं अपना एक्सपीरियंस साबित करने के लिए अकेले लड़ाई लड़ी थी, उसमें जो भी इशू वही साथ थे। प्रोफेसर रतनलाल हंगलू के जाने के बाद विश्वविद्यालय का एक एक प्रशासनिक अधिकारी उनके खिलाफ बोलने लगा था, कुछ नहीं करता। वही चांसलर महोदय, अगर आप हमारी आवाज को सुन रही है, मैं मानता हूं अगर आपके साथ रहने वाले लोग बताते हैं कि आप अगर बीच में जाएंगी वो लोग आपको बीच में नहीं जाएंगे, अगर आप एक बार बीच में आके बात करिए कोई भी छात्र यहाँ होटिंग नहीं करेंगे आप हमारी बात, लेकिन अगर थोड़ा सा भी मौत तो थोड़ी सी मंदा हो उस अक्षय त्रिवेदी उस 69 और लोग जो अमरन अंसन हरिओम यादव तमाम लोग कर्नल मिश्रा सत्यपुरा सभी लोग अभिनव अच्छा सर अगर थोड़ी सी भी ममता हो तो प्लीज जो भी सात आठ स्टेट वो तो मैडम को पता चल गया होगा क्योंकि न शेखर श्रीवास्तव इतने योग्य है कि अपने मन से फैसला ले ले, ये वास्तविकता है। जो व्यक्ति विश्वविद्यालय के डीन होके 16 मिसकाल लेटर नहीं उठा सकता, उठाते ही काट देता है, वो अपने मन से फैसला नहीं ले सकता। फैसला सब जानते हैं, दो ही चार लोगों की सलाह पे हुआ होगा और वाइस चांसलर मैडम जानती होगी सलाह क्या है। तो सलाह जो भी हमसे किसी से मतलब नहीं है, आपकी का डिसीजन जो भी है लड़के इंतजार करेंगे, क्योंकि लड़के जो सुबह से यहाँ बिना खाए पिए रह सकते हैं आके भी रह सकते हैं। हाँ इतना विश्वास दिलाता हूँ और सभी विश्वास दिलाते हैं कि एक हिंसा की 0.01 भी यहाँ पे आवाज है, ये अहिंसावादी लोग। और अगर वास्तविकता से आपको शिनाख्त करनी हो तो जब प्रशासन के लोग तो भड़काने का काम करते हैं, ये आप अगर ईमानदारी से देखेंगे। सर मैं कुछ नहीं, आपसे यही विनम्र निवेदन है कि जो भी हो डॉक्टर डीन स्टूडेंट वेलफेयर उस रजिस्ट्रार डीन कॉलेज डेवलपमेंट सर पंकज कुमार प्रोफेसर शेखर श्रीवास्तव चेयरमैन डीन और जो भी 8-9 लोग हैं कमेटी में ठीक है, मैं मानता हूँ वो भी नहीं बात करते, वो अपने 4-5 लोगों से बात करते हैं ठीक है विश्वविद्यालय चलाना है तो अपनी एक अच्छी टीम होगी, आप भी कभी कहीं कुलपति बनेंगे अपने साथ के लोगों को भी प्रशासनिक पद देंगे, लेकिन सिर्फ इतना मुद्दा है कि चलिए ठीक है अगर आप बात नहीं थी बस इतना बताइए फैसला कब देंगे, कोई गारंटी नहीं होगी कल से वाइस चांसलर शहर में रहें। 2-3 तारीख को यहाँ शिक्षक भर्ती है और वो भी ऐसी शिक्षक भर्ती जिसमें करीब इलाहाबाद विश्वविद्यालय अगर कोई यहाँ पे पढ़ाता हो गेस्ट सेकेंडरी सब स्कॉलर उसकी कत्ता ही खबर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ उन्हीं नौकरी मिलेगी जो कहीं से पहले नौकरी कर रहा हो, क्योंकि एपीआई 90-12-85 और विश्वविद्यालय का छात्र से लिखना चाहते हैं सर कि कब फैसला देंगी आप यही सब बता दीजिए। आज ही फैसला हम एक बात में शुरू से बिल्कुल क्लियर रहे हैं, हम आपके बीच अपनी कोई भी ऐसी बात नहीं कहना चाहते कि जिससे हम अपनी पर्सनल इमेज को इम्प्रूव करने के लिए आपके बीच कोई बात बोले, ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है और ना ही आप लोगों को किसी भ्रम की स्थिति में रखना उद्देश्य है। आपके जितने साथी हैं जितने आप 4-5-6 लोग तो हमें नाम याद हो गए हैं उनसे बातचीत होती रहती लगातार, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि कभी भी हमने आप सबको यही बात बोली है कि अपनी शॉर्ट टर्म में अपनी को इमेज अच्छी करने के लिए हम लॉन्ग टर्म में किसी का नुकसान नहीं कराना चाहते। जैसा सीओ साहब ने कहा वो बात बिल्कुल ठीक है, हमारे भी सीनियर ऑफिसर्स की बात आपकी मैडम से हो रही है, ये इसमें कोई वो नहीं है। अब आप लोग चाहते हैं कि हर चीज आप लोग के सामने बोली जाए बिल्कुल डिटेल में बोली जाए तो वो भी संभव नहीं है, जल्दी से जल्दी प्रयास हम लोग का भी है कि इसका फैसला निकले। आप सोचिए कि हम लोग तो अपने कितने चुनाव के काम छोड़ के आपके बीच में कितना कितना ठीक है, आपको भी काम है हम लोग को समय अब आप लोग सुनिए, जैसे आपके साथी ने कहा पहले नंबर वन पहली बात कोई भी ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे नाम खराब हो आपका आपके परिवार का और आपकी। दूसरी बात हम लोग चली जा रही है या जो है 3 तारीख के बाद शिक्षक भर्ती चालू हो रही है तो कोई खर्चा नहीं होने वाला है, जिम्मेदारी हम आपको अभी
हम आपको डेट नहीं छात्रों लोग क्या चाहता है भैया मैं बात कर रहा हूँ आम छात्र क्या चाहता है वो बताए सर डिसीजन कब तक आएगा यदि अगर आज डिसीजन नहीं आएगा तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे सर ये बताइए कि डिसीजन कब तक आएगा आप कह रहे हैं कि कोई छात्र हिंसा न करे जो छात्र मर रहे हैं कहीं हम मरने दें और सर ये बताइए कि डिसीजन कब आएगा ये कोई मुकदमा नहीं है तारीख पे तारीख आप लगाए जा रहे हैं और एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहे सर यहाँ हम लोग सुबह से खड़े हैं बीएससी के छात्र हैं सर कितने यूनिट पर है सर सर आपको पता होगा सर यहाँ कोई छात्र नेता होता नहीं सब हम छात्र हैं बैग लिए बैग में किताब है सर सब पहने आए हैं इसलिए आप डिसीजन बताइए हम लोग अपने घर जाए अगर वो मुस्लिम मृत्यु हो जाती है उसकी जिम्मेदारी कौन है सर मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि वाइस चांसलर मैडम का और कमेटी गठित जो हुई है आप उनकी बात लेके हमारी भी नहीं आए उनकी कमेटी बनी है मैडम तैयार बैठी है या नहीं है वो आप जानते हैं सर उनकी तरफ से तो आपने अपनी बात पहुँचा दी यहाँ सर हमारी बात भी उन तक पहुँचाइए कि हम आपको 14 तारीख से अब तक का समय दिए हैं अभी भी सर हम लोग आपको समय ही समय मैडम को दे रहे हैं आप निर्णय लीजिए हम यहीं बैठे हैं सर सर दूसरी बात आप बताते हैं आपके अधिकारी बता रहे हैं कि आप सर यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी हैं अपनी इमेज डाउन नहीं होने देंगे सर हम भी यहाँ पे यूपीएससी एस्पिरेंट हैं एक आदर्श अधिकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं हमारे तरफ से सर कोई भी ऐसी गलती नहीं की जाएगी जिससे प्रशासन जिला प्रशासन या विश्वविद्यालय प्रशासन को किसी तरह की कमी और किसी तरह का तकलीफ होगा सर मैं शांति से बैठे आप करिए हमको निर्णय लीजिए आप निर्णय सर मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ लेकिन हमारी पीसी का चांसलर है उनको सर बच्चों का सब नहीं समझ में आ रहा है अगर किसी ने दिमाग खिसक गया तो क्या कर लेंगे मैं नहीं जाऊंगा अगर शौक खड़ा नहीं देगा मारा कि मर गए हैं सर प्रशासन जिम्मेदार हो या ना हो लेकिन सर यहाँ के हमारे छात्र मैं इनके लिए मर सकता हूँ सर लेकिन मैं बहुत मेंटली प्रेशर हूँ और अब विश्वास नहीं है बेटा ये जो आप लोग लगातार इस चीज़ को बता रहे हो एक मेंटल प्रेशर और सारी चीज़ें जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को फेस किया जाता है और ये नहीं कि वो उन चैलेंजेस से आप डर के पीछे हट जाएं फिलहाल हम आपको कोई भी अपना निर्णय परिवर्तित करने के लिए नहीं कहेंगे और जैसा कि अभी समय ने हमने आपको ये बताया है कि इसके द्वारा कोई ऐसा और लोकतांत्रिक कोई तरीका किया में नहीं जाएगा हम लोग उस चीज से संतुष्ट हैं हमको जा रहे हैं आपको ठीक है थैंक यू क्या बोलते हैं